हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओरिया व्लॉग्स। तो आज मैं क्या बात करने वाली हूँ, आज ये घर पे ही मैंने शूट किया है, कोई बाहर जाके कोई होटल का रिव्यू विव्यू ये सब आज आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। और आज मैं आपको बहुत एक यूज़फुल टिप्स दूंगी। मैं कुछ दिनों से ये मैं खुद यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं सोची कि मैं आज इस बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ऐसे अभी जो ऐसे मतलब कोरोना चल रहा है और मैं तो एक साल से ब्यूटी पार्लर गई नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जाना तो पड़ता है। थोड़ा स्किन केयर और हेयर केयर, हेयर और स्किन यही तो दो चीज़ें हैं जो हम लोगों का जो ब्यूटी है, फेशियल ब्यूटी है, उसको एनहेंस करने के लिए। तो उसका अगर हम लोग केयर नहीं लेंगे तो हम लोग अच्छे नहीं दिखेंगे, और अच्छे नहीं दिखेंगे तो मैं थोड़ा डिमोरलाइज हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा पहले पार्लर जाती थी और थोड़ा कुछ कुछ करती थी, लेकिन अभी तो नहीं जा पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने एक उपाय कुछ ढूंढी कि थोड़ा कुछ अगर मिल जाए अच्छा नेचुरल चीज़ें, उसको मैं घर पे यूज़ करके अगर मुझे अच्छा लगेगा कुछ, तो यही सोच के मैंने उसे घर पे यूज़ किया और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है ओरिगेंस जो कंपनी, उसका ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, जैसे अनियन हेयर ऑयल हो या फिर कोई फेस मास्क के लिए है। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये मुल्तानी मिट्टी के बारे में। मुल्तानी मिट्टी ऐसे तो बहुत पुरानी है, सभी जानते हैं, सभी इसको कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ, आई मीन बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट्स के साथ इसको मिला के यूज़ करते हैं, या फिर सिर्फ वाटर एज अ बेस लेके भी मुल्तानी मिट्टी फेस पैक बना के लगाते हैं। तो ये जो मुल्तानी मिट्टी है, अगर आपको कोई एडल्टरेटेड नहीं चाहिए और बिल्कुल प्योर मुल्तानी मिट्टी चाहिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जो लिंक है वहाँ से आप बाय कीजिए। आपको पूरा प्योर ओरिगेंस का जो है, जो मैं खुद यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ, वो आपको मिलेगा। और इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊंगी, और उससे पहले मैं बता देती हूँ कि इसका फ़ायदे क्या है। फ़ायदे बहुत सारे हैं, मैं जस्ट नॉर्मली बता देती हूँ, जैसे कि रिंकल्स हो वो कम हो जाते हैं, और जो डार्क पैची हो जाता है स्किन कहीं कहीं वो हो जाता है, और एजिंग स्पॉट्स मेरे हुए हैं यहाँ थोड़ा थोड़ा, वो सब कम हो जाते हैं, और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ये सब नाक के साइड साइड में होते हैं वो एकदम निकल जाते हैं, और एक फेशियल ग्लो देता है ये। तो अभी मेरा जो स्किन है ये मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे ही अच्छा से धो के मैंने अभी शूट करने आ गई, क्योंकि ये सब लगा के मैं दिखाऊंगी आपको इसके बाद क्या इफ़ेक्ट होता है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं यहाँ कि इमीडिएटली तुरंत एक बार लगाने से आपको कोई इफ़ेक्ट दिखाई देगा ये मैं नहीं बोल सकती हूँ, या फिर कोई काला से सफ़ेद हो जाएगा ये भी नहीं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा हम लोग का स्किन ख़राब होते जा रहा है ड्यू टू एज एंड द पोल्यूशन अराउंड अस, वो धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। जैसे कि वो ज़्यादा दिन अगर हम लोग जमने देंगे स्किन में तो वो ज़्यादा मुश्किल होगी निकालने के लिए, लेकिन अगर वो धीरे धीरे जम रहा है और हम लोग भी उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें कोई नेचुरल प्रोडक्ट से, तो वो काम करता है। और इसको आप मुल्तानी मिट्टी दो बार वीकली लगाएं तो आप देखेंगे कि स्किन में बहुत फ़ायदा हो रहा है। और पहले क्या होता था कि हम लोग पार्लर जाते थे और एक ब्लीच कर दिए, एक फेशियल कर दिए, तुरंत इफ़ेक्ट इसका आता है, बहुत जल्दी ये काम करता है ब्लीच ब्लीच पार्लर में, क्योंकि दे वर्क विथ केमिकल्स, बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं जो जल्दी काम करते हैं स्किन पर, लेकिन फिर एक महीना बाद वो सारे असर ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो मेंटेनेंस मांगती है। जब वो मेंटेनेंस मांगती है उसी टाइप का फिर पार्लर जाके उसको वही केमिकल्स अप्लाई करना है, ये सब तो हम लोग कर ही दे सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है स्किन का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, और इतना ख़राब हो जाता है कि उसका बाद और कुछ किया नहीं जा सकता है, और एक एज का बाद वो एकदम रफ़ और सूखा और ख़राब लगने लगता है। तो यही है डिफरेंस। अगर हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स लेंगे तो ये चीज़ कोई एडेड केमिकल्स यहाँ लिखा हुआ है, और ये बहुत अच्छा भी मुझे लग रहा है,
इसीलिए मैं इसको बिलीव कर रही हूँ। यहाँ नो एडेड केमिकल्स बात बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, और नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट है इसीलिए अच्छा लग रहा है। अभी तो सभी कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स की ओर ही दौड़ रहे हैं, क्योंकि केमिकल से बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में। तो ठीक है, ये सब हो गया इस बारे में। और एक छोटी सी बात ये बता दूँ कि ये ट्राई करने से पहले अगर आपका स्किन सेंसिटिव हो तो आप इसका एक पैच टेस्ट कर सकते हैं हाथ पे, जस्ट थोड़ा सा लेके यहाँ ऐसे हाथ पे लगा के आप उसको थोड़ा देर रख के देख लीजिए। अगर कोई असर नहीं हो रहा है तो मुंह पे लगाइए। और लेकिन मुझे ये इसका कोई असर नहीं हुआ, और मुझे एकदम बिल्कुल ठीक लग रहा है, और मैंने कोई स्किन टेस्ट भी नहीं की थी इसको यूज़ करने से पहले। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये नींबू है। मैं थोड़ा, इससे पहले मैंने फेस में कुछ भी नहीं लगाया है और कोई फाउंडेशन वाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया है, तो इसको मैं थोड़ा नींबू से थोड़ा मैं क्लिंजिंग, आप कच्चे मिल्क से भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा नींबू से कर दिया है। ठीक है, तो नींबू के रस से मैं थोड़ा सा क्लिंजिंग कर देती हूँ ऐसे ही। फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छा से अप्लाई कर दिया है पूरा मुंह में और नेक एरिया में भी, और इसको अभी 15 मिनट्स, ठीक है, इसको 15 मिनट्स छोड़ देते हैं सूखने के लिए। और इस दौरान जब ये सूख रहा है तब ज़्यादा बातें ना करें, और मुंह में कुछ भी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन ना लाए, और चुपचाप शांत होके बैठे रहे ताकि रिंकल्स ना आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सूख गया है और मैं इसको धो के आती हूँ। फ्रेंड्स, एक नेचुरल ग्लो टाइप का आ गया है। मैं फिर से इसको, ये वेट डैम्प टॉवल है, इसको मैं फिर से एक बार पोंछ लेती हूँ। और कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया, कोई क्रीम कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही मैं धो के आ गई। और अच्छा से इसको पैट ड्राई करना है, और देखिए टॉवल में कोई पिंक विंक कुछ भी नहीं है, और वैसे मैं कोई फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाई और कुछ नहीं, ये ऐसा ही इसका कलर है। और देखिए एक साफ जैसे शाइनिंग भी एक आ रहा है, थोड़ा देर बाद और ज़्यादा अच्छा शाइनिंग होता है। लेकिन एक बात है कि थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है, तो अभी एक मॉइस्चराइज़र आप चाहे तो लगा सकते हैं और वो ज़्यादा अच्छा लगे रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही है। अगर आपको ये इफ़ेक्टिव लग रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसको ख़रीदिए।